सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है। अगर आप 12th पास हैं तो ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट हैं तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, और सैलरी पैकेज भी बहुत ही अच्छा है, और साथ में बहुत सारे इसमें पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। और अगर आपको इस कंपनी का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपका कैरियर बहुत ही फास्ट ग्रो करेगा। बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है, बाहर की कंपनी है, और बहुत ही अच्छा में रोल है। तो डिटेल में जानते हैं आपके जॉब रोल के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, सैलरी पैकेज के बारे में। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चलेगी, कैसे अप्लाई करना है और कैसे इंटरव्यू को क्रैक करना है, तो डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और जॉब्स रिलेटेड और कैरियर रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि बेल बटन नहीं दबाएंगे तो अपडेट्स एकदम नहीं मिलती हैं और वो जॉब स्किप हो जाती है। एंड लाइक एंड शेयर जरूर करिए, हमें मोटिवेशन मिलती है और हम नई नई वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं डिटेल में इस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, कंपनी का नाम है सदरलैंड। जिस कंपनी में ये जॉब अपॉर्चुनिटी निकली है, सदरलैंड इस कंपनी का नाम है। सदरलैंड जो कंपनी है, ये डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ को। बहुत सारे इनके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर सपोर्ट की सर्विसेज भी देते हैं। और आपका यहाँ पे जो रोल होगा वो एसोसिएट सीएस फोन का होगा, मतलब कि कस्टमर सपोर्ट का रोल होगा। और अगर आप 12th पास हैं तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट हैं तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज की बात करें तो एज वैसे स्पेसिफाई नहीं किया है, बट मिनिमम कम से कम 18 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम आप लेके चल सकते हैं 32 या 33 ईयर्स तक। और इसमें जो है और भी बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। तो सैलरी पैकेज की हम बात करें तो सैलरी पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। देखिए, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो 25,000 पर मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो माइट बी 35,000 से लेकर 40,000 पर मंथ तक आपकी सैलरी जा सकती है। डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस और आपके कम्युनिकेशन पे। एक्टिवली हायरिंग कर रही है, डिटेल तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी जो आपको हेल्प करेंगी डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यूज़ में। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। स्क्रीन पे आ गए हैं, यहाँ पे देखिए जॉब जो निकली है एसोसिएट सीएस फोन की निकली है। परमानेंट वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी है। देखिए, वैसे लोकेशन चेन्नई तमिलनाडु की है, और यहाँ पे कंपनी के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, सदरलैंड इज सीकिंग एन अटेंटिव एंड गोल ओरिएंटेड पर्सन की इनको ज़रूरत है टू जॉइन अस एज ए बैक ऑफिस एनालिस्ट। बैक ऑफिस एनालिस्ट का आपने जो है रोल अदा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी दी हुई है, देखिए, प्रोवाइड्स कस्टमर सपोर्ट बाय फोन, ईमेल और इंस्टेंट मैसेज टू कस्टमर्स। आपने फ़ोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू और इंस्टेंट मैसेज कंज्यूमर्स को भेजना है। प्राइमरी कॉन्टैक्ट होगा फॉर इनबाउंड कस्टमर इश्यूज। इनबाउंड आपको कॉल्स आएंगी, आपने कॉल करनी नहीं है, आपको कॉल आएंगी। और जो क्लाइंट के लिए करना है वो FIS प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है जिनके लिए आपने काम करना है। तो बहुत ही रिप्यूटेड नेम है FIS प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। ट्रबल शूट करनी है, जो भी कस्टमर की प्रॉब्लम्स होंगी वो आपने ट्रबल शूट करनी है, और इससे पहले बकायदा आपको ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। When unable to resolve problems in a reasonable amount of time, will escalate to appropriate resources. अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो आपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एस्केलेट करना है, ट्रैक्स करना है डॉक्यूमेंट्स इनबाउंड सपोर्ट रिक्वेस्ट के, अपडेट करनी है कस्टमर इन्फॉर्मेशन एंड इंश्योर्स एक्यूरेट एंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मीट स्टैंडर्ड्स ऑफ जॉब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी आपको मेंटेन रखनी है। अब ये देखिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन तो दी हुई है, 10+2 भी अप्लाई कर सकता है, डिग्री भी कर सकते हैं, और डिप्लोमा अगर आपने किया है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, बट उससे पहले मैं आपको ये कंपनी का भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये कंपनी है सदरलैंड की। तो यहाँ पे देखिए, इनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, अगर आप इनकी स्टडी करोगे तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। और देखिए, इंटरव्यू जब आपका होगा, जब इंटरव्यू तक आप पहुंच जाते हो, तो प्लीज़ ये स्टडी करके जाना कंपनी के बारे में, क्योंकि कंपनी के बारे में भी आपको पूछा जाएगा और क्लाइंट के बारे में भी आप पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, डिलीवरिंग मेजरेबल ट्रांसफॉर्मेशन आउटकम्स, ड्राइविंग ट्रांसफॉर्मेशन विद डिजिटल केमिस्ट्री, तो यह सारा आप पढ़ सकते हो। तो अप्लाई जो आपने करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और ये यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपने जो है अप्लाई विद लिंक्डइन भी कर सकते हो, और इंडीड में प्लेटफॉर्म में भी अगर आपका बना है तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो लिंक्डइन से भी अप्लाई कर लीजिएगा, लिंक्डइन में जाके वहाँ पे लिख दीजिएगा सदरलैंड एसोसिएट सीएस, तो अपने आप जॉब आ जाएगी। वहाँ से भी अप्लाई कर दीजिएगा, और यहाँ से भी आपने अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे सारी आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने सारी ये भरनी है,
तो यहाँ पे आपका देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कंफर्म ईमेल, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, फ़ोन नंबर आपने देना है, एक्सपीरियंस, एजुकेशन आपने बतानी है, प्रोफाइल्स अगर आपका कोई है वो आपने बताना है, रिज्यूम आपने अपलोड करना है और मैसेज यहाँ पे हायरिंग मैनेजर को लिखना है, लेट द कंपनी नो अबाउट योर इंटरेस्ट वर्किंग देयर। आपने यहाँ पे देखो अपने प्लस पॉइंट्स बताने हैं, जो भी एक्सपीरियंस में या कंपनी में आपको कोई अप्रिसिएशन मिला है, कोई अवार्ड मिला है तो उसके बारे में आपने बताना है, स्कूल में मिला है उसके बारे में बताना है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आपको अवार्ड मिला है तो आपने वो बताना है, किसी जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं कॉलेज लेवल पे या फिर स्कूल लेवल पे वो आपने बताने, देखिए पॉजिटिव पॉइंट जितना बताओगे तो वो सारा आपने भरना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें हम भर लेते हैं, पहले ये सब भर के फिर नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आर यू प्रेजेंटली 18 ईयर्स ऑफ एज, यस कर दीजिएगा। हैव यू क्लियर 12th और 10th प्लस 2 ईयर्स डिप्लोमा, अगर आपने 10th पास करने के बाद 2 ईयर्स डिप्लोमा भी किया है तो आपने वो भी आप बता सकते हो, यस। हैव यू वर्क फॉर सदरलैंड, नहीं। हैव यू बीन कन्विक्टेड फॉर फेलोइंग क्रिमिनल ऑफेंस, नो। तो यहाँ पे जो है आपने मार्क करके सबमिट कर देना है। तो ये देखिए एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, तो योर एप्लीकेशन फॉर एसोसिएट सीएस फोन एट सदरलैंड हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यू विल रिसीव ए कन्फर्मेशन ईमेल शॉर्टली। तो कन्फर्मेशन आपको ईमेल आएगी, वो कन्फर्मेशन ईमेल भी हम चेक कर लेते हैं, बट उसमें आपको बताना चाहूँगा देखिए जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन या जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो सारा आपको फिलफिल करना पड़ेगा, और हो सकता है आपको डेस्कटॉप या फ्री लैपटॉप भी प्रोवाइड किया जाए, डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे या डिपेंड करता है आपका जो एचआर राउंड होगा उसमें सारा क्लियर कर दिया जाएगा। अगर नहीं प्रोवाइड करते हैं तो आपके पास होना ज़रूरी है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी है। तो अब हम ईमेल चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमें मेल्स आ चुकी हैं सदरलैंड से, 3 मेल्स आई हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आया थैंक यू फॉर योर जॉब सबमिशन, सो वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ एसोसिएट सीएस फोन एंड वी आर करेंटली रिव्यूइंग योर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। तो वो रिव्यू करेंगे, इफ़ यू आर क्वालिफाइड, इफ़ यूर प्रोफाइल कॉरस्पॉन्ड टू अवर रिक्वायरमेंट्स, तो उसके बाद जो है रिक्रूटर्स आपको कॉल करेंगे अगर सेलेक्ट हो जाता है। ये पहली मेल होगी, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप बताया गया, थैंक यू फॉर अप्लाइंग, द नेक्स्ट स्टेप इज़ ए सिस्टम चेक किया जाएगा कि आपका सिस्टम मतलब कि कितना फास्ट है। तो जब भी आप सिस्टम चेक कराएं सबसे पहले तो अगर वाईफाई पे हैं तो दूसरे मोबाइल्स या सिस्टम कोई भी वाईफाई पे हो उनको बंद करा दीजिएगा, उसके बाद सिस्टम चेक कराइएगा क्योंकि फास्ट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट सर्विस की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स चेक करेंगे, कनेक्ट यूर पीसी डायरेक्टली टू द मॉडम, और ये कह रहे हैं कि कनेक्ट यूर पीसी डायरेक्टली टू मॉडम, एंड तभी कह रहा हूँ अगर वाईफाई के थ्रू अगर आपने चेक करवाना है तो सारे जो है वाईफाई के जो कनेक्टेड और भी डिवाइसेस होंगे उनको पहले ऑफ करके फिर चेक कराइएगा, या फिर ऐसा कर लीजिएगा या वायर से कनेक्टेड अगर आप कर लें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वायर से जो इंटरनेट कनेक्शन होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर करके आपने ये चेक कराना है। तो इसके बाद जो ये जो मेल है, यू आर इन्वाइटेड टू कम्प्लीट ए वर्चुअल एक्सपीरियंस विद सदरलैंड। तो यहाँ पे देखिए व्हाट टू योर फर्स्ट मेक श्योर यू हैव एन एक्सेस टू ए रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, क्वाइट लोकेशन फॉर अप टू 30 मिनट्स तक आपके पास ये सारा प्रोसेस चलेगा, ग्रैब योर लैपटॉप डेस्कटॉप और मोबाइल डिवाइस एंड सेटल, लैपटॉप या डेस्कटॉप लेके आराम से उसमें फिर बैठ जाइए एक ऐसी जगह पे जहाँ पे क्वाइट प्लेस हो, रिव्यू द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दिए होंगे वो रिव्यू करने हैं, व्हेन यू आर रेडी टू रिस्पॉन्ड स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर ऑडियो, ऑडियो आपने रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, तो ऑडियो जो है आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए और शांत जगह पे बैठ के करने का, क्वाइट प्लेस होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस कोई आवाज़ ना आ रही हो। यू कैन रिव्यू योर रिस्पॉन्सेज एंड री रिकॉर्ड देम, आप रिव्यू भी कर सकते हो उसके बाद री रिकॉर्ड भी कर सकते हो। सो वंस यू रिव्यूड एंड रिस्पॉन्सेज यू आर कंफर्टेबल, सबमिट कर दीजिएगा देम टू ए रिक्रूटर फॉर रिव्यू एंड यू आर डन। इफ सेलेक्टेड टू प्रोसीड यू विल रिसीव एन इनवाइट ए लाइव फोन इंटरव्यू विद ए हायरिंग मैनेजर। बाद जो अगर आपका सिलेक्शन हो जाती है, आपका ऑडियो पसंद आता है, आपकी कम्युनिकेशन पसंद आती है, तो उसके बाद आपकी लाइव फोन इंटरव्यू होगा हायरिंग मैनेजर के साथ। आई थिंक दैट विल बी द लास्ट वन इंटरव्यू, बट माइट बी पॉसिबल कि आपका शायद टेस्ट हो सकता है, ये डिपेंड करता है रिक्रूटर पे। अगर टेस्ट नहीं होगा तो डायरेक्ट आपका एचआर से बात हो जाएगी, क्योंकि अगर आपका एक्सपीरियंस पहले से अच्छा है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपको आपका सिस्टम जो उनको पसंद आया, इंटरनेट कनेक्शन पसंद आया, तो वो डायरेक्ट ही हायरिंग मैनेजर से आपकी बात हो जाएगी और सैलरी पैकेज आपको बता के आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। प्लीज़ जब भी आप इसमें मतलब कि जब आप ये गेट स्टार्टेड करके आप स्टार्ट करेंगे अपना प्रोसेस, तो प्लीज़ ऐसी जगह पे क्वाइट प्लेस पे बैठिएगा,
अगर मैंने इन्फॉर्म कर दिया है तो प्लीज़ इसका जरूर ध्यान रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पीछे से डिस्टर्बेंस या कहीं से डिस्टर्बेंस या इंटरनेट कनेक्शन आपका अच्छा नहीं है तो प्लीज़ फिर आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान बहुत देना होता है। और आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है अच्छी होनी चाहिए, जो आपका माइक्रोफोन है माइक्रोफोन लगा सकते हैं तो बेटर है, अगर लैपटॉप में ही अटैच्ड है माइक्रोफोन तो वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए ताकि आपकी जो वॉइस है अच्छी तरह रिकॉर्ड हो। और कम्युनिकेशन इज़ ए मस्ट, तो यहाँ पे क्लिक करके आपने ये स्टार्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, सदरलैंड कंपनी एक्टिवली हायरिंग कर रही है, मुझे फ़ोन पे भी मैसेज आ चुका है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे फ़ोन पे मैसेज आ चुका है, आई एम वर्चुअल असिस्टेंट फॉर सदरलैंड, वी रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फॉर अवर एसोसिएट सीएस फोन पोजीशन, ग्रेट न्यूज, सदरलैंड वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू कम्प्लीट ए सेल्फ पेस्ड वीडियो इंटरव्यू। सेल्फ पेस्ड वीडियो इंटरव्यू होगा मतलब कि आपने खुद ही इंटरव्यू देना है, वो आपका जो है इंटरव्यू रिकॉर्ड हो जाएगा फॉर द एसोसिएट सीएस फोन पोजीशन। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आप जाके इंटरव्यू सेल्फ पेस्ड इंटरव्यू देते हो, और जो आपका मेल पे भी कन्फर्मेशन आई थी वहाँ से भी दे सकते हो। तो मतलब कि डैट मीन्स दे आर एक्टिवली हायरिंग, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर दो। तो इसके बाद जो है लास्ट राउंड जो होगा वो आपका एचआर मैनेजर के साथ होगा, या हो सकता है माइट बी एक टेस्ट हो, और शायद हो सकता है कि क्लाइंट जो इंटरव्यू भी ले सके, जो इनका जो क्लाइंट है सदरलैंड का जो क्लाइंट है वो भी शायद इंटरव्यू ले, उसकी वैसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती है, बट सदरलैंड जो कंपनी है जो हायर कर रही है वो ही फाइनल राउंड का इंटरव्यू लेती है। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस जॉब्स के बारे में। तो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, सैलरी पैकेज भी अच्छा है, और अगर आप यहाँ पे जॉब कर लेते हो तो आपका कैरियर बहुत फास्ट ग्रो करेगा, और ये एक्सपीरियंस जो है बहुत मैटर करता है आपके आगे की जॉब्स में भी। तो फ्रेंड्स, अगर कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी जॉब्स कैरियर रिलेटेड ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियोस लगातार आती रहती हैं, हम कोशिश करते हैं डेली लेकर आएँ, आपका बस सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए ताकि सबसे पहले अपडेट मिले, एंड लाइक एंड शेयर जरूर करिए ताकि दूसरों की भी मदद हो और हमारी भी मदद हो। तो मिलते हैं एक और नई जॉब में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फो मैट्रिक्स को अपना प्यार देते रहिए।